Hello and welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. Myself Sriram, teaching you accountancy of class 12. Student, हमने पिछले वीडियो नंबर 3 में हमने टॉपिक देखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखा था। आज हम अपने वीडियो नंबर 4 में उसी टॉपिक को आगे और एक्सटेंड करेंगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके उसमें और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो हमारे पास टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन एंड द क्वेश्चन सेज एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively। क्वेश्चन कहता है कि x और y दो पार्टनर है और इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 और 3 रेशियो है एंड दे आर हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। और इन लोगों का कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली है। ऑन 1st अक्टूबर 2018 X and Y gave loans of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Second information given hai, on 1st of October 2018, X and Y, इन दोनों ने फर्म को लोन दे रखा है। X ने 80,000 और Y ने 40,000 as loan दे रखा है। So distribution of profits and losses for the year ended 31st of March 2019 in each of the following alternative cases. So question में कहता है कि हमें distribution of profit दिखाना है कि कैसे profit का distribution होगा in the following four alternative cases, चार alternative cases दिए हैं उस condition में। So हम case जो है alternative cases वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस question को हम समझेंगे। question क्या कहता है, x y दो पार्टनर है, इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:3 है एंड दे आर हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीस 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोन है जो कि x और y ने दे रखा है। फर्म को x ने 80,000 एंड y ने 40,000 फर्म को लोन दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। देयर इज नो एनी अग्रीमेंट अमंग एक्स एंड वाई रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। सो इन दिस वेरी कंडीशन आवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम देते हैं दैट इज 6% पर एनम, यानी कि मैक्सिमम कितना देंगे दैट इज 6% पर एनम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किसको कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सो एक्स की बात करते हैं, एक्स ने फर्म को 80,000 लोन दे रखा है। 80,000 पे उसे 6% के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए देंगे। कैलकुलेट करते हैं हम, दैट विल बी 2400। नाउ वाई की कंडीशन में वाई ने 40,000 एज लोन दे रखा है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% एंड द टाइम विल बी 6 मंथ्स। इट मींस y को 1200 as interest on loan firm की तरफ से मिलेगा and x को 2400 interest on loan firm की तरफ से मिलेगा। so we have to remember these two figure, these two amount जब हम आगे के four alternative cases को बनाएंगे। so यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ x को और y को, x के लिए 2400 and for y it is 1200। so now let's move to solve the alternative cases। ये हमारा basically जो इसमें calculation करना था वो हमने calculation कर दिया कि x को 2400 as interest on loan देना है and y को 1200 as interest on loan देना है।
सो नाउ स्टूडेंट, सो हम केस देखेंगे. केस नंबर वन, इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2100 सॉरी टू 21,000. केस नंबर वन कहता है कि जो हम यहां पे लिख रहे हैं केस वन, एंड केस वन सेज इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 21,000. इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड रुपीज 21,000. क्या कंडीशन है कि अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट किया दैट इज 2400 फॉर एक्स एंड 1200 फॉर वाई, ये लेने से पहले फर्म को 21,000 का प्रॉफिट है. सो हमने जब देख रखा था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, उसमें हमने बता रखा था कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से जो हमारे पीएल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट होता है उसको हम पहले डिडक्ट कर लेते हैं. इट मींस यहां जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो 21,000 माइनस ऑल टुगेदर 3600 को पहले हम माइनस कर लेंगे. सो द नेट प्रॉफिट विल बी 17,400 and this very amount will be distributed among x and y in their profit sharing ratio, that is 2:3. So x share in profit is equal to 17,400 into 2/5. That will be, first of all we have to divide. So first of all we have to divide 17,400 by 5, then we have to multiply it by 2. So just cancel it. And it will be 7,960 for x and y share in profit is equal to 17,400 into 3/5, that will be 10,440. So this is how we have to solve the distribution of profit among x and y. So this is the first condition, that if the profit is given before the interest on loan, then first of all we have to deduct the interest on partners loan, then after the remaining amount will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Second case, and the second case says if the profit before interest for the year amounted to rupees 3000. I have written already here, if the profit before interest on loan is rupees 3000. So in this very condition, the amount of interest is rupees 3600. The amount of interest is 3600 and the profit is only 3000. So in this very condition, again we have to calculate the net profit. So as per profit and loss account, our net profit is 3000 and the amount is 3600, that is the rate of interest, that is the amount of interest that is to be paid to x and y. So first of all we have to minus, we have to deduct 3600 and the answer will be 600, and this is negative, this is negative value. It means the firm has incurred loss. In this very condition, x share is equal to 600 into 2/5, that will be 240, and y share is equal to 600 into 3/5, that will be 3600. This, it means the firm has incurred loss
and both partner X and Y has contributed the loss in their profit sharing ratio. So this is the condition number two. It means when there is a profit given as per profit and loss account, but there is an adjustment given regarding the profit and loss account. So first of all, we have to minus it. Then the answer is negative. It means the firm has incurred loss, and this loss is shared by X and Y, or you can say by the partners in their profit sharing ratio. Now student, case number 3. If the profits before interest for the year amounted to ₹5,000, it is same as case number 1 we have discussed. So if the profit before interest amount is ₹5,000, so in this very case, profit as per profit and loss account given is ₹5,000. So, and there is another adjustment that is for 3600 altogether. So first of all, 5000 minus 3600, that will be 1400. So this is the net profit. This is the net profit which is to be distributed among X and Y in their profit sharing ratio. So X share is equal to 1400 into his profit share, that is 2:5. So just cancel 10, 0, 560, and Y's share is equal to 1400 upon 5 is equal to 0.84. So this is the distribution of profit among X and Y in their profit sharing ratio. This 5000 is not a net profit. The net profit is ₹1400. So now we will move to the fourth case, alternative case number 4, which is very important. Now student, the case number 4, and the case number 4 says, if the loss before interest for the year amounted to ₹1400. यहाँ पे क्या, अभी तक तो हम profit होता हुआ दिख रहे थे, but इस condition में क्या है कि firm को already loss हो गया है. कितने का loss है? 1400 का. और अभी भी firm को 3600 rupees as interest on loan देना है partners. So in our video number 3, हमने देख रखा था regarding interest on partners को, जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने उसके nature देखे थे. तो उसका nature अगर याद होगा तो पहला nature था, it is a charge against profit. दूसरा जो केस था वो क्या था, जब maximum हम उसमें 6% के दर से interest देंगे in the absence of any partnership bid, and third it is a part of profit and loss account. तो अभी तक तो हम बाकी दो केसेस करते आ रहे थे, मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट दे रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो हिस्सा था तो उसे हम एडजस्ट करके कैलकुलेट कर रहे थे. बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस वेदर कंपनी को नुकसान हुआ हो या फायदा हुआ हो. फायदा हो रहा था तब तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम दे ही रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि लॉस हो गया है. सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहता है कि कंपनी को अगर नुकसान हुआ हो फिर भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे. So this is what charge against profit says. So यहाँ पे क्या है कि already firm को क्या है, net loss हो चुका है. Net loss है 1400 का, already loss है तो इसे हम bracket में दिखा सकते हैं minus में. और all ये तो loss है, और भी क्या है 3600 और भी देने हैं. So net loss है और 3600 और भी हमें देने हैं. So जब दोनों को हम add करेंगे, it means firm को जो नुकसान होगा that will be of 5000. ये 3600 और देना है और पहले से ही हम 1400 के नुकसान में हैं. सो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे सो मेरा ऑल टुगेदरली 5000 आ जाएगा. सो अब जो एक्स का शेयर होगा वो इस नुकसान में उसका शेयर होगा 5000 into 2/5, that will be 2000,
and y square is equal to 5000 into 3 upon 5, that will be 3000. इस प्रकार यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को नुकसान हो गया, एक को 2000 का और दूसरे को 3000 का नुकसान हो गया. सो ये बेसिकली चार कंडीशंस थे जो हमने देखा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच आवर क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. थैंक यू स्टूडेंट.